हे गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लैंडिंग की अगर बात करें तो हम लोगों ने रोजोक पर लैंडिंग ली, और भाई क्या ही बताऊँ यार, रोजोक में एक स्क्वाड दिख तो रही थी लेकिन वो भी स्क्वाड न जाने कहाँ खो गई। उतने में ही मुझे दो फ्लेयर ड्रॉप दिखता है, और फ्लेयर ड्रॉप पे जाते हैं हम लोग। और यार मतलब क्या ही बोलूँ, देखो जॉर्जो में उन्होंने दो प्लेयर मंगाया हुआ था लेकिन बंदों का आता पता नहीं था कि भाई वो बंदे हैं कहाँ। गाड़ी ठोकने के बाद पहले फ्लेयर ड्रॉप पे हम लोग पहुँचते हैं। फ्लेयर ड्रॉप पे देखने के बाद कुछ भी वहाँ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे स्मोक करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि पहले वाले फ्लेयर ड्रॉप पे अगर नहीं है बंदे तो हल्का सा फ्लैंक लेकर के चलते हैं सेकंड वाले फ्लेयर ड्रॉप पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट लेते रहता हूँ, फ्लैंक लेकर के आगे जाते रह जाता हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी होती है आपको जॉर्जो की सिटी से, तो सिटी से भी थर्ड पार्टी होती रहती है। उतने में ही मैं यहाँ पे नज़र बनाए रखना शुरू कर देता हूँ बंदों पे, और उसमें ही देखो वाली पड़ती है मुझे, बहुत बुरी वाली। भाई कहाँ बंदा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जो जोर-जोर में सोने या लेटने की जगह तो नहीं होती है लेकिन बंदे लेटे पड़े होते हैं भाई। उतने में ही एक बंदे को हमारे टीममेट नॉक कर फिनिश करते हैं यहाँ पे। उतने में ही यार देखो यार, रिच क्लाउड को यार पता नहीं कहाँ से शॉट पड़ता है। मैं यहाँ पे उनको कवर देने की जोरदार कोशिश करता हूँ लेकिन वो बंदा भी यार कवर में चला जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो रही थी और ये बंदे अलग अलग जगह पर कैंप करके बैठे हुए थे। तो मेरा एक ही कॉल होता है कि भाई पुश करो, सीधा सिंपल सी बात है। अगर ये अगर दुब के पड़े हुए हैं तो हम लोग दुबक के नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ पे आए हैं बंदे मारने और फ्लेयर के इनके गन लूटने। तो फटाफट से यहाँ फ्लैंक लेना शुरू करता हूँ, फ्लैंक लेते ही रहता हूँ। उत्ते में देखो एक बार, भाई जॉर्जो में अगर ऐसे बंदे कैंप करने लगे तो भाई कैसे गेम चलेगा, आप खुद बताओ यार। यहाँ पे मैं अगर ये टीपीपी लेता हूँ, देखता हूँ बंदा कहाँ है। गाड़ी उसने अंदर कर दिया है, यहाँ पे मैं मॉली करता हूँ और मॉली के बाद देखो वो बंदा भागना शुरू कर देता है यार। और ये देखो रनिंग मोड में आ गया, अपने कहाँ जा रहा मालूम नहीं। ये देखो जॉर्जो में आने के बाद नॉक करने का दो बंदा भागना शुरू कर देता है। उतने में मैं उसको फिनिश करता हूँ, टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई इसके टीममेट को मारेंगे, पकड़ के मारेंगे। उतने में ही गाड़ी ठोकता हूँ, उतने में एक बंदा दिखता है। भाई क्या बताऊँ ऐसे बंदे यार आने लगे गेम में यार। जब से यार एशिया मोड में जो बंदे बैन के बाद खेलना बंद कर दिया उन्होंने, उसके बाद यार गेम अलग ही लेवल का चला गया यार। सारे बंदे क्या करते हैं, कैंप करते हैं, क्या करते हैं मालूम ही नहीं चलता यार। उतने में ही यहाँ पे लूटिंग करने के बाद यहाँ से निकलते रहते हैं। उतने में देखो क्या होता है, अभी पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे आकर गाड़ी ठोक देती है। और हम भेज देते हैं उनको लॉबी सीधा। यहाँ पे थोड़ी सी लूटिंग करने के बाद मेरे को मालूम था कि तीन बंदे इनके नॉक हुए हैं, मतलब एक बंदा इनका अभी भी कहीं है जो हमें देख रहा है या फिर कहीं से एक्सपेक्टेड कर रहा है। तो मैं जल्दी से कॉल देता हूँ कि भाई एक बंदा है, खाने जाए किसी हमारे टीममेट को। तो उससे पहले मेरा कॉल होता है कि भाई जल्दी निकलो यहाँ से। डिस्क क्लाउड को ऑलरेडी एक बंदे कैम्प करके मार चुके होते हैं। तो मैं जाते जाते यहाँ गाड़ी दिख जाती है मुझे, यहाँ पे एक बंदा देखो लेटा हुआ है भाई, लेटा हुआ लिटरली देखो लेटा हुआ है भाई। मतलब यार एंगल में ऐसे बंदे होने लगे हैं भाई, उतने में जाकर देखते हैं। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे मेरी कॉल होती है कि भाई ओपन है ये, तो यहाँ से निकलना बेस्ट होगा। उतने में मुझे ड्रॉप दिख जाता है मुझे, तो यहाँ पे मैं जाते ही रहता हूँ ड्रॉप लेने के बाद। यहाँ पे जस्ट एक स्क्वाड मिलते हैं, यहाँ पे भी इंटेंस फाइट के बाद यहाँ पे सीधा हम लोग नॉक फिनिश कर देते हैं सामने वाले टीम को। उतने पे ही गाड़ी में बैठते ही और एक थर्ड पार्टी होती है, सीधे सीधे पीछे से जाकर के हमें शॉट्स पड़ते हैं। शॉट्स पड़ने के बाद मेरा कॉल होता है भाई गाड़ी में बैठो। उतने में यार हेल्थ रिकवर करते रहते हैं यार, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सनी भाई को मैंने बोला, कॉल दिया यहाँ पे कि भाई बैठ जाओ यार गाड़ी में, वो बैठने में नाकामयाब रहे। यहाँ पे स्मोक वगैरह जैसे ही कर रहा होता हूँ यहाँ पे उनको पूरा का पूरा फिनिश डाल दिया जाता है। सैंटोस बहुत अच्छा यहाँ पे गेम प्ले दिखा रहे थे, पीछे थे वो और वहाँ से नॉक पे नॉक बंदे डाल रहे थे। यहाँ पे ओम का एक दो शॉट मैं मारता हूँ, उतने में ही यहाँ पे स्मोक वगैरह हो जाता है वहाँ पे। सैंटा यहाँ पे कंटिन्यू फाइटिंग देते रहते हैं, एक बंदा ऑलरेडी नॉक कर चुके होते हैं। और यहाँ पे
भाई क्या बताऊं क्या बताऊं, भाई शॉर्ट्स पड़े आगे उनको के और थ्रू चला गया सैंटा ने शॉर्ट, पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे अरे खत्म यार कर दिया यार। तो बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे भी हुआ है उसके बाद। गाड़ी लेकर के मैं कहता हूँ यार कि फिर से ही ओपन है, लोकेशन चेंज करने इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के आखिरी 10 बंदे बाकी थे भाई, बंदों का पता नहीं भाई। इस गेम में इतनी गाड़ियां घुमाई है हमने, इतनी गाड़ियां घुमाई है भाई, फिर भी पता बंदे नहीं नहीं मिलते लेना भाई तो कि कहाँ पड़ेगा। जाते हैं कहाँ रुकते हैं मालूम नहीं, बहुत गाड़ियां घुमाई है। उसके बाद होता क्या है देखो एक बार, गाड़ी लेके गाड़ी घुमा रहे थे कि भाई बंदे मिल जाए बंदे मिल जाए बंदे मिल जाए। ओपन में तो कोई बंदा यार, आप जो भी दो स्क्वाड मिला उसको हमने खत्म करा। यहाँ पे क्या ही बताऊँ यार, बंदे खोजने की पूरी तैयारी चल रही थी, बंदे मिल ही नहीं रहे हैं भाई, जहाँ भी जाओ बंदे नहीं। सोचो यार यहाँ पे मैं बंदे चेक करने लगता हूँ कि यार बंदे है आगे, बंदे चाहिए थे, बंदे नहीं मारेंगे यार तो फिर कैसे होगा गेम यार। तो अल्टीमेटली मेरी यही कोशिश थी कि भाई किल ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके, क्योंकि यार हॉट ड्रॉप पे जहाँ पे हम लोग रोज़ोक ने लिया था वहाँ पे कोई बंदे आए नहीं। आए भी थे यार एक स्क्वायर, तो पता नहीं कहाँ से निकल गई थी कहाँ लेट्स चली गई थी गो मालूम नहीं यार। कैंपिंग का पूरा गेम है भाई, हो गया यार पबजी आजकल। पता नहीं क्यों ऐसी लॉबी क्यों आ रही है यार जिसमें कैंपिंग लोग करते हैं। यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप दिखता ड्रॉप है, ले ड्रॉप लेवल पे थ्री वेस्ट ले सैंटा लेता हूँ, अभी तक कॉल नहीं करता है है कि मेरे भाई पास लेवल लेवल थ्री थ्री। वेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि यार ये छोटा सा जोन हो चुका है और डायरेक्ट रोकना वहाँ पे सही नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे घर में मैं लेता हूँ, यहाँ पे साइड में आप जा कर के ले आओ। उतने में ही यार एक स्क्वाड यहाँ पे कॉल आता है सैंटा दास की, वहाँ से इस गाड़ी वाला पहुँच दे रही है दिया और पीछे यहाँ से वाला, प्रॉपर कॉल के बाद फायरिंग तो देता हूँ, लेकिन वो बंदा कवर से जाता है। वहाँ पे एक बंदा लेटा फाइट हुआ हो रहा है, था फाइट हो रहा है, फाइट और हो रहा है। एक बंदा अरे यहाँ मर फिनिश गया होता मर है, गया तो मर गया, छह एक बंदे बंदा अलाइव हैं। तो मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि यार हम दो बचे हैं और बाकी के जो अगले बंदे हैं अगले टीम है वो 4 बंदे हैं। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मैं थोड़ा सा होल्ड करने लगता हूँ, अपने हेल्थ को रिकवर करता हूँ और पेन किलर वगैरह लेने की सामने कोशिश करता दो। हूँ। उतने में देखो यार बंदे कैसे होते हैं क्या होते हैं वो आप देखो एक बार। आप हाँ देख गया, हाँ देख गया। मैंने यहाँ से ओम का दूसरा शॉट लिया, चेक करो एक बार। नेड़ मारेगा, नेड़ नेड़ मारेगा, मारेगा, नेड़ मारेगा। शॉट लिया मैं कवर में आ गया, फिर भाई भी शॉट भाई मुझे पड़ता है यार। ये क्या ग्लिच है मेरे को मालूम नहीं, शॉट मारा मैं कवर में आया फिर भी शॉट पड़ रहा है, ये कैसा संभव है यार, कैसे संभव है यार पबजी में। उतने में यार वो बंदा मतलब बेखौफ खेल रहा होता है, उतने में शानदार उनको थोड़ा सा डैमेज देते हैं और सैंटा दास पहुंच जाता है। उतने में मैं उनको नॉक करता हूँ यहाँ पे माइटी निंजा को और तुरंत भाई भाई तुरंत स्मोकों की बारिश जाती है, मतलब हर जगह इस स्मोक। साइड मतलब जाएगा, यार ये है इस कि साइड जाएगा। चारों बंदे, हमें ये लग रहा था कि 4 बंदे लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। आप एक बार देखोगे अभी क्या होता है वहाँ पे, स्मोक की आ रहा है, बारिश हो गई, बंदे बारिश, एक बंदा स्पॉट होता है और मैं नाइस उसको नॉक करता हूँ नाइस। और सेम वही माइटी निंजा होता है। मैं इस बार मैंने साफ साफ बोल देता भाई नॉक होगा मैं चढ़ूंगा चाहे कुछ भी कहाँ हो पर जाए, नॉक हुआ, क्योंकि कहाँ यार ये पर नॉक बंदे हुआ, कहाँ जाकर ये कैम्प कर रहे हैं उससे कोई बहस नहीं है, मारना बनता था इनको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैंक लेना शुरू करता हूँ और ट्राई फिनिश हो ये गया करता वो, हूँ कि फिनिश हो भाई गया वो। चढ़ूँ। उतने में ही ज्यादा दस सामने मेरी पेड़ किल को स्मोक के कंफर्म कर पास आ देते गया, हैं, मेरे को स्मोक पता के है कि पास यहाँ आ पे गया। 3 बंदे हैं और 3 बंदे लेटे पड़े ही होंगे भाई। देखो नहीं सच मानो, में लेटा हुआ है भाई, ये देखो अच्छा ये टीम अलग थी और ये बंदा अलग है जो लेटा पड़ा हुआ है भाई, क्या बंदे होते हैं। उतने सैंडर्स को मैं कॉल देता हूँ कि भाई वहाँ पे बंदा लेटा हुआ है, आप थोड़ा सा संभल के जाना और सैंडर्स कैसे शॉट्स लेते हैं एक बार चेक करो। देखो ये बंदा लेटा हुआ है, कोई बहस नहीं है कि कैसे मारना है क्या करना है, देखो बंदा लेटा हुआ है भाई, लिटरली लेटा हुआ है और यहाँ पे एक नाइस खतरनाक वाला चिकन। तो नाइस। भाई बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो, हैव अ गुड डे।